गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको कौन सा क्वेश्चन दिया था करने को, बोला था आप लोग ट्राई करना ऐसे, एक बार बताइए। 12th क्वेश्चन दिया था। कितने लोगों ने कर लिया ये क्वेश्चन? ओके, अंजलि ने कर लिया, खुशी ने कर लिया, हिमांशी ने कर लिया, सोनाक्षी ने कर लिया, शीनू ने कर लिया, मनीषा ने कर लिया, अनिकेत, गुड इवनिंग। ठीक है, अगर सब लोगों ने कर लिया तो फिर हम लोग आगे ही चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर सभी लोगों ने कर लिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। अनिकेत, अगर आपने सही कर लिया तो आंसर ठीक ही होगा, क्योंकि मुझे आंसर तो याद नहीं है। अगर आंसर बताना तो फिर मुझे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, बताओ। आप लोग जो बोलोगे वो करूंगा मैं। करना है सॉल्व पिछला वाला क्वेश्चन? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो सब लोग एक बार, ट्राई करो इसे। हिमांशी, क्वेश्चंस करना थोड़ा सा अब ठीक लग रहा है कि अभी भी चैलेंजिंग है? बस टाइम लगता है मेरे को और तो हो जाता है। कितना टाइम लग रहा है क्वेश्चन करने में इसका? तो मेरे को लगा था, मैंने नोट नहीं किया लेकिन टाइम लगा था, ये वाला जो ऊपर वाला है। सर एक वो ना एक क्वेश्चन आया था सर्कुलर अरेंजमेंट का, उसमें आया था क्या बोलते हैं मॉक टेस्ट में, वो मेरा हो गया था बड़े अच्छे से। बढ़िया, मतलब सीख रहे हो है ना। सही है, मॉक टेस्ट वगैरह देते रहा करो। ये आपका पैरेलल रो का क्वेश्चन है, ठीक है? जब आपको लगे हो गया हो या फिर अब नहीं होगा तो फिर आप मुझे बता दो, हम इसको सॉल्व करें।
चलो डिस्कस करते हैं इसे, ठीक है? डिस्कस करें क्वेश्चन को। टेन परसेंट आर सिटिंग इन टू पैरेलल रोज कंटेनिंग 5% इन ईच रो। इन फर्स्ट रो एम एन ओ पी क्यू आर सीटेड एंड आर फेसिंग साउथ डायरेक्शन and row 2 these u v w x y z are sitting facing north direction, therefore in the given sitting arrangement each member sitting in a row faces another member of the other row. सबसे बड़ी पहले चीज ये देखो, बिल्कुल अनिकेत, पांच लोग ऐसे बैठे हैं और पांच लोग ऐसे बैठे हैं। जो ऊपर वाले रो में बैठे हैं वो साउथ की तरफ देख रहे हैं यानी कि नीचे की तरफ, और जो नीचे वाले रूम में बैठे हैं वो ऊपर की तरफ देख रहे हैं यानी कि नॉर्थ की तरफ। मतलब कैसा हो गया, वो लोग एक दूसरे को देख रहे हैं। तो जो लोग साउथ में देख रहे हैं उनके नाम क्या क्या है, एम एन ओ पी एंड क्यू आर सिटेड एंड आर फेसिंग साउथ, एम एन ओ पी क्यू। तो उसके बाद इन रो टू यू वी एक्स वाई जेड आर सिटेड एंड आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। तो यहां पर कौन बैठा है, यू V, X, Y, Z. Therefore, in the given sitting arrangement, each member seated in a row faces another member of the other row. They like different colors: red, orange, blue, brown, black, white, yellow, pink, peach, grey. Not necessarily in the same order. मतलब सब लोगों को अलग-अलग कलर पसंद है, ठीक? M does not like brown and P likes black. तो ये तो लिखने वाला डाटा है। M does not like brown and P likes black, और P को black पसंद है। ठीक है, Y sits third to the left of U who likes yellow. देखो Y sits third to the left of U, U who likes yellow. Sorry, क्या लिखा है यहां पर, Y sits third to the left of U who likes yellow, मतलब U likes yellow. अब यहां पर एक चीज देखो, अगर आप चाहो तो क्वेश्चन को यहां से स्टार्ट करने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, कैसे देखो, यहां पर आपको पता है कि Y और U का जो पेयर है वो नीचे वाले रो में बैठा है, ठीक है, और y जो है वो u के थर्ड लेफ्ट में है। तो अगर मैं u को यहां पर प्लेस करता हूं तो एक दो y यहां पे आ जाएगा, और दूसरी कंडीशन ये बनेगी कि y को अगर u को मैं यहां प्लेस करता हूं तो y यहां पे आ जाएगा, इसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं बनेगी। और u को कौन सा कलर पसंद है, येलो। समझ आया ये पॉइंट? M faces immediate neighbor of Y who like orange. Y को कौन सा कलर पसंद है, ऑरेंज। अब यहां पे क्या लिखा, ध्यान से देखो, M faces immediate neighbor of Y who like orange. मतलब M किसको फेस करके बैठा है, जो Y का इमीडिएट नेबर है। तो इस केस में Y का इमीडिएट नेबर कौन होगा, ये वाला पर्सन, तो M यहां बैठेगा। अब इस केस में वापस से केसेस है, देखो Y का ये भी नेबर है, Y का ये भी नहीं हो रहा, तो या तो M यहाँ पे आएगा या तो M यहाँ पे आएगा, इन दोनों में से किसी एक पोजीशन पे M आएगा। लेकिन इसके लिए दूसरी कंडीशन बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही में इसको लिख लो। समझ आया यहां तक सब लोगों को?
सॉरी द वन हु लाइक्स पीच सिट्स एट एक्सट्रीम एंड, यानी कि जिसको पीच कलर पसंद है वो एक कॉर्नर में बैठा है. ओ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एम. अब देखो ओ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एम. अब मुझे बताओ कौन सा वाला सही होगा और कौन सा वाला गलत होगा. पॉइंट क्या है? ओ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एम. कौन बताएगा ये चीज? हिमांशी सर ऊपर वाला सही है, एम यहाँ पर बैठेगा लेफ्ट हैंड साइड में बाइक के. सर एक मिनट, एम को नीचे देख रहा है, इतने नीचे वाला तो गलत हो जाएगा क्योंकि राइट तो ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला ठीक हो जाएगा. हाँ ऊपर वाले में भी ये वाला एम की पोजीशन सही होगी, ये वाली. हाँ ठीक है, इसको तो काट ही दो और यहाँ से एम को हटा के यहाँ पे लिख दो. ठीक है, ओ सेट सेकंड टू द राइट ऑफ एम. द वन हू लाइक्स रेड फेसेस द वन हू लाइक्स पिंक. ओके, तो जो रेड के सामने कौन बैठा है? पिंक वाला पर्सन. ठीक, और क्या लिखा है? बट एम डज नॉट लाइक पिंक, एम को पसंद नहीं है पिंक. Only one person sits between N and P. तो N और P के सिर्फ बीच में एक पर्सन है. तो देखो या तो यहाँ तो कंडीशन बनी, या तो यहाँ पर N आएगा, यहाँ पे P, यहाँ पे N, यहाँ पे P. समझ आया ये पॉइंट? यहाँ पर क्या लिखा है? Only one person sits between N and P. समझ में आया ये मैंने कैसे करा यहाँ पे? समझ आया है? ठीक है, अब यहां क्या लिखा है? V and Z are immediate neighbors. तो obvious ही बात है कि V और Z में से कहीं ना कहीं यहीं बैठे होंगे दोनों, और एक जो बचा है आपका X वो यहां आ जाएगा. ठीक, अब देखो Z does not face M and N. तो देखो Z यहां, या Z को आप जहां बैठाओगे वो M और N के सामने नहीं बैठा. ठीक, आपको पता है M की पोजीशन तो फिक्स है, तो यहां पे Z आएगा नहीं, V, तो Z को आना तो यहीं पड़ेगा. तो Z को यहाँ प्लेस करूंगा, लेकिन सामने अब N को नहीं रख सकता. इसका मतलब यहाँ पर किसको रखूंगा? P को, और यहाँ पर रखूंगा N को. समझ आया यहाँ तक मानसी? सर मेरे को ना ये वाला तो आ गया कि यहाँ पर Z नहीं रखना था, V वाली जगह पे. मेरे को ये नहीं आया अभी जो आपने ना मिटो के लिखा है ना, वो मेरे को नहीं समझ आया. अरे इन दोनों में से एक जगह पता N और P था, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा था? ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन N एंड P. तो ऑब्वियस बात है यही वाला पेयर हो सकता है एक पर्सन के गैप के लिए. आई बात समझ में? अरे आपके पास ये वाली चेयर तो ऑक्यूपाइड थी पहले से, ये भी चेयर ऑक्यूपाइड थी, अब यहां पर ये खाली पड़ा था. अब मैं आपको बोलूं कि एन और पी के बीच में एक पर्सन बैठा तो कैसे बैठा होगा बताना जरा. ये तो आ गया एन और पी ठीक है. अब आपने जेड और वो जो बिठाया ना वो नहीं समझ आया मेरे को. तो वो तो बता रहा था अभी यहाँ पर क्या लिखा था, ये V and Z are immediate neighbors. तो यहाँ पर तो सिर्फ ये वाली जगह खाली बची थी ना बीच की. इमीडिएट नेबर का मतलब क्या होता है? उनके बीच में कोई नहीं आएगा, तो इसका मतलब यही जगह खाली बची है. V और Z यहीं पर तो आएंगे, और फिर बच गया X, तो X यहाँ आ जाएगा. अब आगे लाइन पर क्या लिखा है? Z does not face M. तो Z अगर M को फेस नहीं करके बैठा तो Z यहाँ नहीं आ सकता, तो यहाँ पर आ जाएगा. तो जब V आ गया तो Z यहाँ आ जाएगा. अब ये लिखा है कि वो N को भी फेस करके नहीं बैठा, तो N यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ पी आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा. हो गया क्लियर? Z does not face M and N who does not like grey. मतलब N को ग्रे कलर पसंद नहीं है. ठीक, the one who faces U likes white. मतलब Q, क्योंकि Q को, U को फेस करने कौन बैठा? Q. the one who faces an immediate neighbor of Y. The one who faces an immediate neighbor of Y likes brown. तो one who faces immediate neighbor of Y. तो कौन है? O है या M है? मतलब O या M में से किसी को brown पसंद है, लेकिन M को brown पसंद नहीं है, तो O को brown पसंद आ जाएगा.
अब यहाँ पर व्हाइट है, यहाँ पर येलो, यहाँ पे ब्राउन है, और यहाँ पर क्या लिखा था कि जिसे पीच पसंद है वो कॉर्नर में बैठा है, तो कॉर्नर में मतलब एक्स को पीच पसंद होगा। ठीक, अब देखो अब कैसे पुट करोगे, एम को पिंक भी पसंद नहीं है, एम ये हो गया पी जेड, या वाई यू को येलो पसंद है वो हो गया, इसे हटाओ यहाँ से, पी को ब्लैक पसंद है इसे भी हटाओ यहाँ से, ठीक है, उसके बाद कॉर्नर है पीच हो गया, इसे भी हटाओ, उसके बाद रेड और पिंक को फेस करके बैठे, तो देखो उसके लिए रेड और पिंक को फेस करके बैठे है, इसका मतलब मुझे दोनों पेयर खाली चाहिए, ये नहीं हो सकता, यहाँ पे ऑरेंज है ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, मतलब ये बचा। अब इसमें से एम को पिंक पसंद नहीं, इसका मतलब एम को रेड पसंद होगा और बी को पिंक पसंद होगा। ठीक, अब क्या लिखा है, एन को ग्रे पसंद नहीं है तो जेड को ग्रे पसंद हो जाएगा, और जो एक कलर बच गया वो एन को पसंद हो जाएगा, कौन सा बच गया, ब्लू बच गया, तो एन को ब्लू पसंद हो जाएगा। समझ आया क्वेश्चन? सोनाक्षी क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? बेटा पहली बार करोगे तो टाइम लगेगा ही सोनाक्षी, धीरे धीरे अब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे आएगा बताओ, अगर पहली बार में 5 मिनट में करने लग जाओगे या 4 मिनट में 3 मिनट में, तो फिर मैं फिर क्यों, लोग कहते हैं कि सिटिंग एलिमेंट और पजल की बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है। समझ आया सोनाक्षी क्या कह रहा हूँ मैं? सोनाक्षी कल आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन भेजा था सर को, आपको नहीं, आपने मोहित सर को भेजा था, मिल गया उसका आंसर? उसमें अगर आप 74 और 10 अगर फैक्टर ले रहे होगे तो वो साइन नहीं आ रहा होगा उसमें, उसमें फैक्टर लेना पड़ेगा आपको 14 और 60, 14 × 60 840, तो मैंने देखा था क्वेश्चन। चलो हाँ हाँ वही, अच्छा नहीं, अगर आप 14 और 60 को भी लोगे अगर तो भी उससे हो जाएगा ना, क्योंकि 46 840 होता है, 14 और 60 का भी यूज करोगे तो 74 सम भी हो जाएगा आपका, और उसमें साइन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो अमंग द फॉलोइंग फेसेस पी, तो पी को फेस करके कौन बैठा है, द वन हु लाइक्स ग्रे और जेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग एम, एम के रेस्पेक्ट में क्या सही है, बताओ एम के रेस्पेक्ट में क्या चीज सही है यहाँ पे, पी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, ओके करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4। समझ आया सर? एक बार दिखाना ये वाली बात, पी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस के लिए बुक खरीदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, बोला था मैंने जो,
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा आप लोगों में से कितने लोग करंट पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं? आप में से कितने लोग करंट पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं? सोनाक्षी डेली पढ़ना है बेटा, टाइम निकालना पड़ेगा आपको, एसबीआई क्लर्क भी आ रहा है आपका, मतलब एसबीआई क्लर्क आ चुका है, जून में पेपर होगा प्रीलिम्स का, और समझ लो जुलाई 31 के आसपास होगा मेंस का पेपर। सर क्लर्क में सेक्शनल कट ऑफ होता है। देखो एक मिनट रुक जाओ, मुझे याद करने दो, क्योंकि एसबीआई पीओ में नहीं है सेक्शनल कट ऑफ। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, शायद नहीं है एसबीआई में। नहीं है एसबीआई में, नहीं है पीओ में तो नहीं है, बट क्लर्क का मैं कंफर्म करके बता दूंगा, शायद से नहीं है इसमें भी। मेंस में भी नहीं है? पीओ में तो 100% नहीं है, लेकिन हाँ एसबीआई का है तो क्लर्क में भी नहीं होगा, लेकिन एक बार मैं कंफर्म करके कल बता दूंगा आपको। कितने घंटे सेल्फ स्टडी करते हो मानजी रोज? सेल्फ स्टडी? सर यस सेल्फ स्टडी। अच्छा मैं तो कोई काम करती नहीं, मैं तो ये पढ़ती रहती हूँ सर। मतलब क्लास के बाद पढ़ती रहती हो। हाँ वो जैसे क्या बोलते, जैसे क्लास हो गई उसके बाद 1-2 घंटे रिफ्रेशमेंट की, मोबाइल वगैरह देखा, उसके बाद जितने घंटे मैं पढ़ती पढ़ती मैं तो 2 काम ही करती हूँ सर दिन में, या मैं सोती हूँ या मैं पढ़ती हूँ। अगर जैसे मान लो मैं, अब जैसे मैं कल रात को जागी हूँ तो मेरे को सुबह नींद आ गई थी, फिर मेरे को अब 3 बजे अब उठना पड़ा क्लास अटेंड करने के लिए, अब नींद आ जाएगी तो आ जाएगी रात को, फिर दोबारा जागूंगी। मतलब मेरा शेड्यूल ऐसे ही रहता है कि सुबह जाग रही हूँ रात को सो रही हूँ, ऐसे ही रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। और मेरे को ना करंट अफेयर्स करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता सर। करना पड़ेगा, उसके बिना पेपर नहीं निकलेगा। मैंने ना किया था स्टार्ट करंट अफेयर्स करना, किया था मैंने ना 17 अप्रैल तक करंट अफेयर किए थे, जब आपने कहा था ना करंट अफेयर करना पड़ेगा तो मैंने 17 अप्रैल तक किए थे। फिर आपके जो सीटिंग अरेंजमेंट था ना वो स्टार्ट हो गया था, फिर सारा टाइम मेरा ना सीटिंग अरेंजमेंट में ही चला जाता था, मेरे को समझ ही नहीं आती थी, फिर मैं आपकी वीडियो देखती थी ना तो सीटिंग अरेंजमेंट सारा टाइम चला जाता था, फिर मैंने वो करना बंद कर दिया। मैंने सोचा है ना बाद में कर लूंगी, अभी इतना टाइम नहीं है मेरे पास, पहले इसको पक्का करती हूँ फिर अपना करंट अफेयर कर लूंगी, नहीं क्योंकि करंट अफेयर तो मैं कभी भी कर लूंगी, लेकिन ये जो क्लास चलेगी ये दोबारा थोड़ा ना हो पाएंगी, है ना। चलो देखिए क्वेश्चन। एट पीपल पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू दे आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, दे ऑल आर फेसिंग नॉर्थ। सब लोग ऊपर की तरफ देख रहे हैं, मतलब ये राइट और ये लेफ्ट, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ईच वन ऑफ देम हैज अ डिफरेंट एज, 8, 11, 15, 17, 21, 25, 27, 28, 29, 30, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। द फॉलोइंग कंडीशंस आर गिवन बिलो, पी सेट्स वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ द रो, यानी कि पी या तो यहां बैठेगा
क्या पी यहाँ बैठेगा? There are 3% sits between P and the one who is 11 years old. तो एक दो तीन, एक दो तीन. There are 3% sits between P and the one who is 11 years old. R sits third to the left of the person who is 17 years old. R कहाँ बैठा है? R sits third to the left of the person who is 17 years old. The person who is 17 years old is not the immediate neighbor of the person who is 11 years old. 17 साल वाला व्यक्ति 11 साल वाले का पड़ोसी नहीं है. R is not 11 years old. R 11 साल का नहीं है. P is not 17 year old. P 17 साल का नहीं है. Q is 15 years old. तो Q 15 साल का है. S is not the youngest person. S is not the youngest person. इसका मतलब S 8 साल का नहीं है, क्योंकि 8 साल सबसे कम उम्र है. R is older than P. But his age is not a, R is older than P, but his age is not a whole square number. यानी कि R की जो age है वो एक whole square number नहीं है. मतलब यहाँ पर कौन सा whole square number है? 8 नहीं है, 11 नहीं है, 15 नहीं है, 17 नहीं है, 21 नहीं है, 25 है whole square number. 27 तो क्यूब है, तो 25 नहीं है R की age. ठीक, और R P से age में बड़ा है. There are as many persons sit between P and R as same as the person sits between W and the person is 30 years old. इस लाइन का मतलब क्या है? कौन बताएगा? कौन बताएगा इस लाइन का मतलब? सर, इसका मतलब ये है कि P और R के बीच में जितने लोग हैं, उतने लोग W और 30 साल वाले इंसान के बीच में होंगे. हाँ, इस लाइन का मतलब ये है. There are as many persons between P and R. मतलब P और R के बीच में जितने पर्सन बैठे हैं, उतने लोग W और 30 साल वाले पर्सन के बीच में बैठे होंगे. P sits immediate left of the person who is 80 years old. Q sits third to the left of S. Youngest person sits extreme right end of the row. मतलब youngest person कौन है? 8 साल वाला, तो वो एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो में बैठा हुआ है. पर्सन हु सिट्स लेफ्ट ऑफ W आर यंगर देन W. ये 8 यहां P के ऊपर आपने 8 क्यों रख दिया? कहां पे? ऊपर वाले में. यहां पे क्या लिखा है? यंगेस्ट पर्सन सिट्स एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो. क्या मतलब है साइन का? सारे नॉर्थ फेस कर रहे हैं तो लिखा तो है नॉर्थ पे पहले बना दिया ऊपर. हाँ ठीक है, तो ठीक है आगे. पर्सन हु सिट्स लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू आर यंगर देन डब्ल्यू. कहने का मतलब ये है, जितने भी लोग डब्ल्यू के लेफ्ट में रहते हैं वो सब डब्ल्यू से कैसे हैं? उम्र में छोटे हैं. समझ में आई इस लाइन का मतलब? पर्सन हु सिट्स लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू आर यंगर देन डब्ल्यू. मतलब W के बाएं तरफ जितने भी लोग बैठे होंगे वो सारे के सारे W से एज में छोटे होंगे. ठीक है, आगे. U is older than V. U की उम्र V से ज्यादा है. ठीक है. Q does not sit at the extreme left end. मतलब Q जो है वो लेफ्ट कॉर्नर में नहीं बैठा. यहां तक सबको समझ में आया क्वेश्चन? यहां तक जो पढ़कर लिखा है, समझाया है, समझ में आया इतना यहां तक? अब आगे क्या करना होता है? आगे कंडीशन को चेक करना होता है. देखो, सबसे पहले चेक करेंगे इससे. देखो, क्योंकि 17 साल वाले के पर्सन के थर्ड लेफ्ट में कौन है? आर. तो अगर मैं पहले ये वाले केस को बनाता हूं, ठीक है, इस वाले केस को अभी नहीं बना रहा, अभी ऊपर वाले केस को बना रहा हूं. 17 साल वाले पर्सन के थर्ड लेफ्ट में आर है, तो यहां पर तो आ नहीं सकता इस पोजिशन पे 17 साल वाला, क्योंकि 8 साल का पर्सन है. 17 साल वाला पर्सन अगर यहां पे आता है तो आर आएगा 11 साल का, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि आर की एज 11 नहीं है.
सर एक बार ये वाली बात दोबारा बता दो। अरे अगर 17 साल वाले को यहाँ पे रखूंगा तो आर यहाँ आ जाएगा, आर 11 साल का नहीं है, मना कर रखता क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो, अब एक क्वेश्चन, अब आर को देखो, अब 17 साल वाले को आप यहाँ पे रख नहीं सकते, यहाँ पे रख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, 17 साल का और 11 साल का पर्सन एक दूसरे के नेबर नहीं है, और 17 साल को इधर रखने की कोई फायदा नहीं क्योंकि अब मुझे आर के लिए प्लेस मिलेगी नहीं, तो 17 साल वाले के लिए सिर्फ एक ही जगह बनती है, वो है गलत में ये पोजीशन नहीं देखी थी मैंने, सिर्फ ये पोजीशन बच रही है, 1, 2 आर इधर आ जाएगा। समझ आया? आ गया। ठीक, उसके बाद आर की कंडीशन पुट कर दी, 17, 11 हो गया, ठीक है, पी 17 का नहीं है वो भी ठीक है। अब देखो यहाँ पर 8 साल के पर्सन के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, टी बैठा है, तो ये 8 साल का यहाँ पर टी आ जाएगा, ये 8 साल का अगर मैं इसको बना रहा तो यहाँ पर टी आ जाता, ठीक है, क्लियर है यहाँ पर? चलो अब आगे क्वेश्चन क्या करेंगे, देखो यहाँ पर एक चीज देखो, पी और आर के बीच में जितने लोग बैठे हैं उतने डब्ल्यू और 30 के बीच में बैठे हैं, तो यहाँ पर पी और आर के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 1, 2, 3, 4 लोग बैठे हैं, ठीक। अब मेरी बात सुना, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, पी और आर के बीच में अगर ऊपर वाली कंडीशन में 4 लोग बैठे हैं तो डब्ल्यू और 30 के बीच में भी 4 लोग बैठे होंगे, बताओ, यहाँ पे यही तो लिखा है कि पी और आर के बीच में जितने लोग बैठे उतने डब्ल्यू और 30 के बीच में बैठे होंगे, तो पी और आर के बीच में अगर यहाँ पे कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, तो डब्ल्यू 30 के बीच में 4 लोग आएंगे। अब क्या मुझे आप में से कोई भी ये बताएगा कि डब्ल्यू के लेफ्ट में 30 आएगा कि डब्ल्यू के राइट में 30 आएगा? अच्छा, डब्ल्यू के राइट में 30 आएगा क्योंकि उसके लेफ्ट में सारे यंगर है उससे। हाँ, डब्ल्यू के लेफ्ट में सारे लोग उससे छोटे बैठे हैं, है ना, और 30 सबसे ज्यादा एज है, तो इसलिए डब्ल्यू और आर के, डब्ल्यू और 30 के में 4 लोग बैठे हैं, और जो 30 इयर्स वाला है वो डब्ल्यू के राइट में आएगा। इसका मतलब कहाँ से पुट करूंगा, 30 यहाँ नहीं आ सकता, 30 को यहाँ प्लेस करूंगा, तो एक दो बात मेरे को नहीं समझ आई, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, डब्ल्यू के लेफ्ट में सारे छोटे लोग बैठे हैं, तो अगर डब्ल्यू के, अगर मैं 30 को इधर पुट करूंगा और डब्ल्यू को इधर पुट करूंगा तो 30 सबसे बड़ी एज है, तो क्या डब्ल्यू की 30 से कम हो सकती है? अरे घर में सबसे बड़ा व्यक्ति 30 साल का है। ठीक है, आ गई। ठीक, अब देखो तो 30 को मुझे कहाँ प्लेस करना पड़ेगा, 30 को यहाँ कर नहीं सकता, 1, 2, 3, 4, 30 को प्लेस करूंगा यहाँ पे, तो 1, 2, 3, 4 डब्ल्यू आ जाएगा यहाँ पे। समझ आया ऊपर वाली कंडीशन में? आगे डब्ल्यू के राइट में 30 होएगा ना? हाँ, राइट में होगा। ठीक, अब देखो एस के थर्ड लेफ्ट में क्यू है, तो एस के थर्ड लेफ्ट में क्यू कैसे बनाया जाएगा, देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन को, एस के थर्ड लेफ्ट में क्यू, तो एस को यहाँ प्लेस कर नहीं सकते, 1, 2, क्यू, एस को यहाँ कर नहीं सकते, 1, 2, क्यू, एस को यहाँ करोगे तो 1, 2, क्यू तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा था कि क्यू लेफ्ट कॉर्नर में नहीं बैठा, इसका मतलब ऊपर वाली कंडीशन गलत हो गई, ऊपर वाली कंडीशन गलत हो गई या नहीं हो गई, क्योंकि क्यू लेफ्ट कॉर्नर में नहीं बैठा। हिमांशी समझ में आई ये चीज? हाँ, ये ठीक है, ये ऊपर वाली गलत हो गई है। अब ऊपर छोड़ दो, नीचे उतार रहा हूँ, ठीक, अब यहाँ से वापस चेक करना शुरू करो, 17 के थर्ड लेफ्ट में कौन था, पुट कर दी। अब देखो सत्रह अभी ये चेक कर रहे हैं ना कंडीशन, ये कंडीशन पुट करके चेक कर रहे हैं, अभी रुक जाओ, ठीक है, आर 11 साल का नहीं है, ठीक है, पी की एज 17 नहीं है, क्यू की 15 है, एस 8 साल का नहीं है, ठीक है, 8 के मिडलेफ्ट में टी है। देखो अब 17 साल वाले पर्सन को मैं यहाँ रख नहीं सकता, तो यहाँ पे अगर रखता हूँ 17 साल वाले पर्सन को, तो 1
दो एक दो तीन, एक दो तीस यहाँ पर आ जाएगा आर। समझ आया, समझ आया कि टी को 70 साल का बनाना पड़ेगा। ये टी आपने कैसे रखा है यहाँ पर? अरे कंडीशन चेक कर रहे हैं भैया, कंडीशन चेक कर रहे हैं। 70 साल को यहाँ रख सकते हो? नहीं रख सकते। 70 साल को यहाँ भी नहीं रख सकते, यहाँ भी नहीं रख सकते, यहाँ भी नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? ये कंडीशन को पढ़ा करो ना, कंडीशन जो लिखती हो इसका इस्तेमाल क्या करोगी फिर? इसका मतलब क्या जो लिखा है नीचे यहाँ पे? यहाँ पे अरे ये जो एरो बनाया ब्लैक ब्लैक, 17 और 11 नहीं आ सकते। हाँ सर ठीक है ठीक है ठीक है। कंडीशन को जब तक साथ में पढ़ना नहीं शुरू करोगे तब तक स्पीड नहीं आएगी, ठीक है? सिर्फ एक ही कंडीशन बन रही है, 17 यहाँ जा नहीं पाएगा क्योंकि आर को बाहर तो निकालोगे नहीं टेबल से, बस एक ही कंडीशन बच रही है, 17 का कौन होगा? टी। तो एक दो तीन यहाँ पे आ जाएगा आर, ठीक। अब देख लो यहाँ पे, अब पी और आर के बीच में दो लोग हैं, तो डब्ल्यू और 30 के बीच में भी दो लोग होंगे, यानी कि 30 या तो यहाँ पर आएगा, 30 की कंडीशन अब एक ही बच रही है। देखो अब देखो पी और आर के बीच में कितने लोग हैं? दो लोग हैं, तो डब्ल्यू और 30 के बीच में भी दो लोग होंगे, लेकिन डब्ल्यू को कहाँ पुट करोगे? 30 यहाँ आएगा नहीं, यहाँ आएगा नहीं, 30 को इधर पुट कर नहीं सकते, एक तो डब्ल्यू होगा। 17 में आपने टी कैसे लिखा है? ये भगवान, अभी क्या बताया था? बार बार उसी बात पे लौटा के ले जाओगे मुझे? हाँ ठीक है ठीक है, आगे आगे आगे, ठीक है ठीक है। हाँ अब आगे 17, अब हाँ ठीक है। पी और आर के बीच में कितने लोग बैठे? दो लोग बैठे हैं, तो डब्ल्यू और 30 के बीच में भी दो लोग आएंगे। डब्ल्यू और 30 के बीच में भी कितने लोग आएंगे? दो लोग आएंगे, यानी कि डब्ल्यू आएगा, इसको ऊपर वाले को मिटा रहा हूँ, गलत हो गया, ठीक है, जगह नहीं है थोड़ी सी, इसको मिटा रहा हूँ। अब इस कंडीशन को कैसे पुट करूंगा? मुझे पता है कि W के लेफ्ट में सारे W से छोटे लोग हैं, तो W इधर आएगा, एक दो 30 इधर आएगा, 30 यहाँ आ नहीं सकता, यहाँ 8 है, यहाँ 17 है, यहाँ 11 है, 30 को अगर यहाँ प्लेस करूंगा तब जाकर एक दो W आएगा यहाँ। समझ आया? समझ आया नहीं आया? सर मेरे को ना ये बात समझ नहीं आई कि आपने W यहीं क्यों रखा है। आप रख के देख लो ना, तो मेरे बोलने का इंतजार क्यों करते हो? कंडीशन में फुट करके देखोगे तब चीजों को समझोगे। क्या कोई और कंडीशन बन सकती है? थर्टी यहाँ पे आ सकता है, 30 यहाँ पे आ सकता है, 30 यहाँ पे आ सकता है, कहाँ रखोगे? 30 को यहाँ रखोगे, एक दो डब्ल्यू का पी बैठा हुआ है, ठीक है, फिर बात खत्म होगी। 30 यहाँ आएगा नहीं क्योंकि मुझे इस तरफ ले जाना है, तो डब्ल्यू का बैठा हुआ है, एक ही कंडीशन बची, रख के देखा करो, रख के देखा करो चीजों को, तब ज्यादा सीखोगे। 30 आया यहाँ पे, एक दो डब्ल्यू आएगा यहाँ पे, ठीक। ये कंडीशन पुट कर दी, ये पुट कर दी, और अब ये कर दी, 17 11 साथ नहीं बैठे, ये हो गई, आर 11 साल का नहीं है, ये हो गई, पी 17 का नहीं है, ये भी ठीक है। अब क्यू यहाँ जाएगा? एस के थर्ड लेफ्ट में क्यू है, तो लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखना, एस की एज 8 साल नहीं है, तो एस को यहाँ नहीं बिठा सकते, ठीक। एस को यहाँ बैठाओगे 30 पे, तो एक दो क्यू यहाँ नहीं आ सकता, क्यू आएगा यहीं पे, ठीक। तो एस आ जाएगा यहाँ पे, और क्योंकि ये दे रखी है 15 साल। हो गया सवाल यहाँ तक, ठीक। अब कौन बच गया? यू और वी बच गए। यहाँ पे क्या लिखा है? यू की उम्र वी से ज्यादा है। सर आपने क्यों, मैंने तो ऐसे रखा था 15 साल का ना, तो 15 साल की यही जगह बची है, तो क्यों यहाँ रख दो? आपने कैसे रखा क्यों? अरे भाई क्या मेरे, एस को यहाँ रख नहीं सकता क्योंकि यहाँ लिखा हुआ एस 8 साल का नहीं है, ठीक है। एस को अगर यहाँ रखता तो एक दो यहाँ डब्ल्यू बैठा हुआ है, तो क्यू को उसके सर पे तो बैठाऊंगा नहीं, तो बची एक ही जगह, फिर एस आएगा यहाँ पे और क्यू आएगा यहाँ पे, 15 साल का, ठीक है। अब यू और वी बचे, यू की उम्र वी से ज्यादा है, मतलब यू होगा 30 साल का और वी होगा 8 साल का, ठीक। तो भी सारी कहानी खत्म। अब एस 8 साल का नहीं है, इसे हटा रहा हूँ। आर 11 का नहीं है, ये भी आर 11 हो गया, हटाओ इसे। पी 17 का नहीं है, 17 साल वाला व्यक्ति में भी हटाओ इसे। क्यू 15 का, इसे हटाओ, ठीक, इसे हटाओ। 17 11 साथ में, इसे हटाओ। क्यू और एस साथ है, इसको हटाओ, सब हटाओ। पी और एस हटाओ, ये हटाओ, ये दोनों हटाओ, ठीक है। अब ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, सब हटाओ। अब क्या लिखा है?
अब पहले सबसे पहले ये देखो आपके पास क्या क्या एज बची हुई है। आपका 8 साल का पर्सन हो गया, 11 का हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, 21 बचा है, 30 तीन बचे, 25 और 27। आर की उम्र 25 साल नहीं हो सकती, ठीक। अब या तो आर की उम्र 27 होगी या 21 होगी। अब आर की उम्र अगर मैं रखता हूँ 21 साल, ठीक सुनते चलना, आर की उम्र रखता हूँ 21 साल और आर से पी बड़ा है, आर से पी बड़ा है, तो एक बात बताओ मुझे यहाँ पर क्या लिखा था कि W के लेफ्ट में W से सब छोटे लोग हैं, तो यहाँ पर या तो 30 साल का होगा या 25 साल का होगा, 27 सॉरी 30 साल तो हो चुका है, वैसे भी बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि आर सुनो, अगर आर 21, सुनो पहले, आर अगर 21 साल का है तो W या P की उम्र क्या होगी, ठीक, या तो 25 के होंगे या 27 के होंगे। P 27 का इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर P 27 का हो गया तो W 25 का हो जाएगा, और W अगर 25 का हो गया तो क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कि W के लेफ्ट में कोई उससे, सारे उससे छोटे बैठे हैं, इसका मतलब ये होगा 25 साल का और ये होगा 27 साल का। अब देखो W के लेफ्ट में सारे छोटे हैं, छोटे हैं, R की उम्र P से ज्यादा है नहीं है, R की उम्र P से ज्यादा नहीं है, इसका मतलब क्या कि R की 25 साल उम्र तो हो नहीं सकती थी, तो R की 21 साल भी नहीं होगी, अब R की उम्र बची सिर्फ एक, वो होगी 27, ये होगा 25 का और ये होगा 21 का, अब R उम्र से P से बड़ा है और R की 25 साल भी नहीं है, हो गया ये बात समझ आया सब लोगों को। ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, पीओ मेंस में आया हुआ है, इस साल ही आया था, जब तक हिमांशी कंडीशनों को खुद से अपने हाथों से कलम चलाकर नहीं बनाना सीखोगे तब तक कभी स्पीड नहीं आएगी। मैं आपकी बात से कंप्लीटली एग्री करता हूं कि जब आप पढ़ रहे हो तो बहुत ध्यान से देख रहे हो, घर पे प्रैक्टिस आप कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, वीडियो लेक्चर को वापस सुना करो, क्वेश्चन को खुद से ट्राई किया करो घर पर, ऐसा कर रहे हो तो हाँ अभी थोड़ा सा कम धीरे सीखोगे, लेकिन जब सीखोगे तब बिल्कुल फर्राटेदार सीखोगे। सारा कर रही हूँ सर, मैं आपका रिकॉर्डेड लेक्चर भी देखती हूँ, मैं सब कुछ देखती हूँ, कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है ये नहीं हो रहा है बताओ? हाँ बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है मेरा, बस वही होना चाहिए और क्या करना है, धीरे धीरे सीख जाओगे समझ जाओ चीजों को। मेरा पहले से बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। SBI क्लर्क का फॉर्म भर देना इस बार, कोशिश करना कि पिछला भर रखा है मैंने, पहले भर रखा है, चलो इस बार प्री तो मेरा निकल जाता, प्री मेरा आसानी से निकल जाता, मेंस नहीं निकलता। अच्छा प्री निकल चुका है SBI क्लर्क का? प्री मेरे बैंक से बहुत सारे निकल गए। अच्छा चलो ठीक, कोई बात नहीं, क्लियर है सबको? अंजलि, खुशी, कृतिका, मनीषा, प्रति, प्रतिभा, संदीप, शीलू, शेफाली, सिमरनप्रीत, सोनाक्षी, सोनाक्षी इस बार निकालना है SBI क्लर्क है ना? कुछ और नहीं है अभी काम करने को, बाहर जाना है नहीं, पढ़ाई करो कम से कम दिन में 9-10 घंटे, ठीक है, और करंट पे भी ध्यान दो, करंट पे ध्यान दोगे तो मेंस को कवर कर पाओगे, बाकी प्रीलिम्स की प्रैक्टिस मैं करा दूंगा यहाँ से अच्छे से, और खुद से भी मॉक टेस्ट लगाओ सैटरडे टू सैटरडे, ठीक है, चले आगे। चलो क्वेश्चन देख लो, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो, कौन है? वी, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखो, सर जैसे बैंक में ऐसा भी होएगा कि भाई एक इतना बड़ा पजल दे रखा होगा, एक ही क्वेश्चन होगा नीचे, जैसे इसमें था 14 में, तो वो तो हमें तो पजल करने से मतलब है ना, क्वेश्चन तो आप पजल जब बन जाएगा तो क्वेश्चन अपने आप सही कर दोगे।
ऐसे नहीं, ट्राई करो पहले खुद से, करा दो ये वाला, दिमाग मारो, बाकी लोगों को ट्राई करने दो। बाकी सब लोगों को ट्राई करने दो, हिमांशी आप भी दिमाग दौड़ाओ अपना। लास्ट टाइम हिमांशी कितना स्कोर आया था एसबीआई क्लर्क प्री में आपका? 2020 में हुआ था जो मार्च में, मैं ना आपको क्लास के ना एंड में बता दूंगी, बेशक रोमा मैम से आपको फोन कर लेना। नहीं नहीं मुझे ऐसी पूछ रहा हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कितना तैयार हो। सर मैं ना रोमा मैम को स्क्रीनशॉट भेज दूंगी, ठीक है? अरे नहीं बच्चे, नहीं मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। फिर मैं ये बताऊंगा ना कि आपको किस चीज पर फोकस करने की जरूरत है, मेंस नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब करंट कमजोर होगा आपका, कहीं ना कहीं करंट पर फोकस करो। सर मैं ना डी एंड वो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी मेंटल इलनेस है मेरी, तो फिर इसलिए ना मेरा कम कट ऑफ जाती है, तो इसलिए मेरा प्री हो जाता है हमेशा। तो मेंटल इलनेस, ओके तो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, वैसे पढ़ाई कर लो, मेंस भी निकल जाएगा आपका। जीआईसी फिर ट्राई करने बोलो इनको, बिकॉज़ जीआईसी का एक जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का आता है, इसमें अभी मैं रिजर्व कैटेगरी में आता हूँ ना, देन उन्होंने एक सामने से एक ट्रेनिंग प्रोवाइड किया था, एक मॉक टेस्ट वो देते हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं उनके तरफ से, आईबीपीएस के तरफ से सामने से आता है, तो उसमें क्वेश्चंस देखे सर, दे वर लाइक क्वाइट इजी, मतलब था थोड़ा टाइम मैनेजमेंट था बट हो सकता था, तो अगर इनका प्री निकल रहा है हिमांशी का तो वो शायद जीआईसी निकाल पाए अच्छे से, स्केल 1 ऑफिसर के लिए सर वो। पर उसका दिस थिंग एंट्री फीस थोड़ा हाई रहता है, अनरिजर्व्ड के लिए 850 है शायद, और पोस्ट बहुत कम है, ओनली 44 पोस्ट है। अच्छा सर मेरा ना इस बार टाइम तो नहीं लगेगा, मैं बीच में बोल लूं, मेरा ना जैसे पीओ का जो मेंस था ना उसमें मेरे 2 नंबर से रह गई थी, और सर पता कौन से वाला था, दिशु ये वाला जो अभी आया था यार, अभी क्वेश्चन कर रहे हैं वो मैं बोल सकती हूँ, अभी जिसका जिसका ये क्या नाम है लखनऊ में हुआ था ना पेपर लास्ट, हाँ लखनऊ में हुआ था लास्ट पेपर, वो आगरा में प्री हुआ था और उसमें मेंस आरआरबी, हाँ आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट वाला था। अच्छा ऑफिस असिस्टेंट वाला था। सर मैं ना पहले ना एसएससी की तैयारी कर रही थी, जो एसएससी की तैयारी कर रही थी तो पता क्या हुआ, उसमें ना मेरा प्री भी हो गया और जैसे मेंस वाला है ना, मेंस वाला भी हो गया था मेरा, जो अभी मेंस में रिजल्ट नहीं आया उसमें भी अच्छे नंबर आ गए थे, मतलब जनरल जितने नंबर आ गए थे मेरे, बहुत अच्छा हुआ था मैथ वाला तो, और इंग्लिश वाला के जनरल से कम आए थे, तो उसमें तो मेरी सिलेक्शन हो गई। तो अब ये डिस्क्रिप्टिव का दिया था, डिस्क्रिप्टिव का पता नहीं क्या होगा, लेकिन पता प्रॉब्लम क्या होगी, अब ना एसएससी में ना वो वैकेंसी नहीं निकलती पीडब्ल्यूडी की। अच्छा। हाँ तो फिर ना अब मैं उसमें ना यूं है कि भाई मैंने तैयारी बड़ी अच्छी कर रखी थी एसएससी की, लेकिन अगर मैं उसमें कम्पीट भी कर सकती हूँ ना तो वो मुझे निकाल देंगे, वो कहेंगे कि भाई अगर आपके जनरल जितने नंबर भी आए हैं ना तब भी आप इस मेंटल इलनेस के लिए सुटेबल नहीं हो, तो इसीलिए ना मेरे को अब मैं दे ही नहीं सकती एसएससी का वो, इसलिए ना मैं बैंक की तरफ शिफ्ट हो गई एकदम। कोई बात नहीं, हो जाएगा, टेंशन मत लो, इसलिए अब मुझे दोबारा से तैयारी करनी पड़ रही है सारी। तो कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, मोटिवेट रहो, मेरी एज तो ज्यादा होगी ना। अरे तो ठीक है, क्यों परेशान हो, जिंदगी भर इंसान स्ट्रगल करता है कुछ अच्छा पाने के लिए, कुछ अच्छा मिल जाए एट द एंड ऑफ द डे तो फिर अब तक एसएससी की तैयारी करती रही एंड तो मैं उसने मुझे धोखा दे दिया। चलो कोई बात नहीं।
बन रहा है क्वेश्चन बचाओ बाकी लोगों से ये वाला। बताओ बन रहा है ये वाला क्वेश्चन। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको ट्राई करना, हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? इसे क्वेश्चन नंबर 15 को, ठीक है? सब लोग ट्राई करके आना इसे, ठीक है? डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, अपनी पढ़ाई करते रहो, करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर दो। बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स अभी भी बोल रहा हूँ, 3 महीने हैं आपके पास, 3.5 महीने मेंस के लिए, तो ये प्री भी निकलेगा, मेंस की भी तैयारी अपनी साइड बाय साइड करते रहो, ठीक है? चलो बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो अपना सब लोग।